हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सिनेमा क्रिटिक्स और गाइस अनन्या पांडे और वियान की एक मूवी आई है जिसका नाम है सीटीआर। गाइस इस मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 35 मिनट। गाइस इस मूवी से पहले अनन्या और वियान अमेजॉन प्राइम की सीरीज कॉल मी बे में दिखे थे, उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इस मूवी में ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। गाइस अब बात करते हैं स्टोरी की। गाइस अनन्या पांडे और वियान दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे और दोनों सोशल मीडिया स्टार थे, लेकिन एक पार्टी में दोनों की लड़ाई जाती है क्योंकि वियान ने इसको चीट कर दिया अनन्या पांडे को। और गाइस इससे पहले जो कॉल मी बे आई थी अमेजॉन प्राइम की सीरीज, उस सीरीज में अनन्या पांडे ने चीट किया था वियान को। लेकिन गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस देखना, बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है। मैंने उसका रिव्यू किया है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो इस सीरीज का रिव्यू। चीट करने के बाद अनन्या पांडे उससे सब कुछ खत्म कर देती है, सारे रिश्ते नाते, और उसके बाद अनन्या पांडे एक एआई ऐप डाउनलोड करती है जिसका नाम था सीटीआरएल यानी कंट्रोल योर लाइफ। अनन्या पांडे उस एआई ऐप से जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसकी जितनी भी पिक्चर होती है पास्ट की, जितनी पूरी हिस्ट्री की, सब में जहाँ जहाँ उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहती कि इसको इरेज कर दो, मतलब मेरे जितने भी फोटो हों वीडियो हों उसमें से अगर मैं हूँ या कोई भी हूँ उसमें से मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो हट जाए, वो गायब हो जाए। तो गाइस एआई का ऐप ऐसा ही करता है और धीमे धीमे कर करके सारी फोटो से बॉयफ्रेंड को गायब करा देता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो उसका एक्चुअल में बॉयफ्रेंड होता है वो कहीं गायब हो जाता है, उसका आता पता नहीं चलता। एक दिन उसको खबर आती है, वो डार्क वेब में देखती है, उसको रियलिटी पता चलती है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है। और मर्डर किसने किया है वो उससे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। जो एक कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका पर्दाफाश कर दिया था उसके बॉयफ्रेंड ने। उसके बाद बहुत ज़्यादा सबूत मिल गए थे उस कंपनी के खिलाफ, और वही कंपनी ने एआई ऐप भी बनाया था। उसमें बहुत सारे फैशन से रिलेटेड और सब कुछ उस ऐप में मिलता था, यूजर का डेटा लेते थे, और डेटा आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों की लाइफ कंट्रोल करना चाहते थे वो लोग, लेकिन जो एआई ऐप था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसने बहुत सारी चीज़ें, जो कोई अगर मैसेज करता था अनन्या पांडे को तो वो उसको मैनिपुलेट कर देता था, उसके मैसेज को डिलीट कर देता था, उसको कुछ चीज़ें बताता था कुछ चीज़ें नहीं बताता था, या मैनिपुलेट करके बताता था चीज़ें, तो उसको आधी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती थी क्योंकि उसने अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में पूरा कंट्रोल दे दिया था एआई को। तो एआई अपने हिसाब से जब उसको फ़ायदा होता था वो चीज़ कवर उसको बताता था, अनन्या पांडे को नहीं तो नहीं बताता था। तो गाइस आप समझ सकते हो कि एआई का ऐप कितना खतरनाक था। वो अनन्या पांडे बहुत थक जाती है इन सब चीज़ों से, तो वो कह देती है अपने एआई ऐप से कि कंट्रोल माई लाइफ, और उसके बाद एआई का जो ऐप होता है वो उसका पूरी लाइफ कंट्रोल कर लेता। तो गाइस हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी इस मूवी की जैसा मुझे लगता था, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी, जो मैसेज देना चाहती है मूवी वो बहुत अच्छा है। गाइस फायदे एआई के बहुत हैं लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसीलिए टर्मिनेटर मूवी बनी थी, उसमें बहुत सारे डार्क साइड दिखाए गए हैं एआई के और मशीन लर्निंग के, जिससे हम लोग अवेयर नहीं है। और तो गाइस में दिखाया गया है किस तरह से एआई ऐप सबकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है और हम सबके हाथ से बाहर चला जाता है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। हम सभी को ये मूवी देखनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग दूसरों के कहने पे या अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए एआई ऐप को यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। गाइस यूज करना बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि समय के साथ हम लोग को बदलना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि इतना अंधाधुंध हर चीज़ की परमिशन दे देना, हर चीज़ वही कर दे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। जहाँ जरूरी है वो तो ठीक है, जो हम काम नहीं कर सकते वो ठीक है, वो तो एआई से कराना चाहिए, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो अगर सब कुछ वही करके तो हम लोग क्या करें। गाइस अब बात करते हैं कि मूवी किस तरह से दिखाई गई। गाइस मूवी जितनी अच्छी तरह से दिखाई गई, गाइस ऐसा लगता है कि मूवी में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई कंप्यूटर खोल के बैठा है, कंप्यूटर के अंदर का जो कैमरा होता है वहाँ से दिखाई गई है। तो गाइस एंगल बहुत अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है गाइस पूरी जो मूवी है, मान लीजिए अगर 1 घंटा 35 मिनट की मूवी है तो उसमें ये मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट तो यही सब चलता है या उससे भी ज़्यादा। तो गाइस ये भी एक अच्छा तरीका है मूवी को प्रेजेंट करने का, जो कि मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। और गाइस कास्टिंग की बात करें तो गाइस मूवी की कास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और गाइस अनन्या पांडे भी अब अच्छी एक्टिंग करने लगी है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में डेब्यू किया था, तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है उसने, और आलिया भट्ट की तरह वो भी हमें लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी निकल जाएगी आने वाले टाइम में। और बाकी तो सपोर्टिंग कास्टिंग उसने बहुत अच्छा काम किया। गाइस लोकेशन ज़्यादा दिखाई नहीं गई क्योंकि सब कुछ इंडोर था, सारा कुछ कंप्यूटर का ही चल रहा था, इसके ज़्यादा कुछ लोकेशन का मामला था नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि मूवी किसके साथ देखनी चाहिए। तो गाइस ये मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। गाइस मूवी की जो स्टोरी है, जो मूवी का मैसेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आने वाले टाइम में जो होने वाला है, समझ लो यही फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए हम लोगों को अवेयर किया गया है इस मूवी के माध्यम से। एक दो जगह
किसिंग सीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस ये मूवी मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी को फैमिली के साथ ही देखना चाहिए, और जो भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दिन भर सोशल मीडिया में घुस रहे थे, उनको तो ये मूवी जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये मूवी शायद उन लोग की आंखें खोल दे। सिटी आयरन मूवी को मैं दूंगा 4 out of 5 stars। ये था सिटी आयरन मूवी का रिव्यू। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। But if I lay down and I play dead and I stay